चतुरपुर नाम के गांव में रतन नाम का आदमी रहता था। रतन वैसे बहुत बुद्धिमान था। बुद्धिमान होने के बावजूद उसके पास कोई काम ना था। वह रोज किसी ना किसी के पास जाकर काम मांगता था। उसे कोई भी अपने यहाँ काम नहीं देता था। एक दिन रतन राशन की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहता है, भैया कोई काम हो तो दो, मेरे पास कोई काम नहीं है, जिसके कारण मेरा परिवार कई बार भूखा रहता है। रतन तू बहुत समझदार है, तू कुछ पढ़े लिखो का काम कर, ये क्या मजदूरी का काम कर रहा है, अब जा काम धंधे के समय खोटी ना कर। रतन को बुरा तो लगता है, पर वे दुकान से जाते हुए मन ही मन सोचता है कि चलो छोड़ो, इन्हें कभी ना कभी मेरी अहमियत समझ आएगी। काम नहीं मिलने के कारण वे बहुत परेशान रहने लगता है। धीरे धीरे समय भी बीतने लगता है। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता उससे कहती है, अजी सुनते हो, तुम्हें कहीं काम नहीं मिल रहा तो आप एक बार राजमहल जाकर राजा जी से विनती करके उन्हीं से काम मांग लीजिए। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर वहाँ मेरे लायक काम नहीं मिला या उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा। अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आप वहाँ जाकर तो देखिए, कुछ ना कुछ तो होगा ही। चलो तुम कह रही हो तो मैं कल जाता हूँ। अगले दिन रतन अपने घर से अपना डंडा, जिसमें वे पीछे छोटी सी पोटली में बांधकर चंद्रनगर के लिए निकल पड़ता है। चंद्रनगर पहुंचने के बाद वे वहां लगे साप्ताहिक हाट और मेले में घूमता हुआ राजमहल पहुंचता है। महल की भव्यता इतनी कि हर किसी की आंखें बड़ी हो जाएं। अरे वाह कितना सुंदर और भव्य महल है, चलो चलता हूँ महाराज के पास मदद मांगने। भैया ये मुख्य द्वार कहाँ है, आम दरबार कहाँ लगा है? बाएं से तीसरा दरवाजा, पर कोई मतलब नहीं है, हमारी परेशानियों का वहाँ सिर्फ मजाक बनेगा। महाराज का नाम तो आप जानते ही हो, खड़क सिंह नाम है उनका। अच्छा जो भी हो, मुझे तो बस अपने काम से मतलब है। इतना कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। महल के मुख्य द्वार पर पहुंचने के बाद वह देखता है कि आज राजा ने आम जनता के लिए दरबार लगाया है, जिसमें राजा लोगों की समस्या सुन उनका मजाक बनाने लगता है। हालांकि लोग राजा के पास आना नहीं चाहते थे, पर उनकी परेशानी का हल के लिए उन्हें राजा के महल आना पड़ता था। लोगों की सुनवाई वाली कतार में रतन भी लग जाता है और अपनी बारी का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद रतन की बारी आती है। प्रणाम महाराज, मेरा नाम रतन है, मैं आपके राज्य के गांव चतुरपुर से हूँ। मुझे मेरे परिवार के भरण पोषण और निर्वहन के लिए रोजगार की आवश्यकता है। मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा तो बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा तुम्हें काम की तलाश है, काम तो मिल जाएगा पर इसके लिए तुम्हें किसी प्रकार का धन नहीं मिल पाएगा। महाराज बिना धन मिले मैं कैसे अपना गुजारा कर पाऊंगा? तुम मेरे दिए गए कार्य को मना कर मेरी अवहेलना कर रहे हो, जानते नहीं हो मूर्ख, खड़क सिंह नाम है हमारा, खड़क सिंह सैनिक, इसे बंदी बनाकर इसे 10 दिनों तक काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। महाराज मुझे माफ कर दिया जाए, मेरी बात का आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। इतने में सैनिक आकर उसे कारागार की तरफ घसीट कर ले जाते हुए उसे काल कोठरी में डाल देते हैं। रतन अंदर बैठे बैठे रोता है। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो बस काम मांगने आया था। 10 दिन किसी न किसी तरह बीत जाते हैं। उधर चतुरपुर में उसके बच्चे और पत्नी भी परेशान होते हैं। 11वें दिन जब उसे छोड़ा जाता है तो रतन सोचता है, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, इन सभी को सबक सिखा कर रहूंगा। इस खड़क सिंह को इसके सिंहासन से ना उतार फेंका तो मेरा नाम रतन नहीं। फिर रतन घर लौटकर उसकी पत्नी सुनीता को सब कुछ बताता है कि उसके साथ
चंद्रनगर राजमहल में क्या क्या हुआ। अब मैं उन सभी को सबक सिखाना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे काम नहीं दिया और मुझे नाकाबिल समझा। सबक सिखाने में मैं भी आपके साथ हूँ, पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। सुनो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा, पर जो मैं बताऊँ वो तुम्हें करना होगा। जी ठीक है। तुम बच्चों को अभी अपने भाई बिरजू को इंदरनगर से बुलवा कर उसके साथ मायके भेज दो। सुनीता रतन की बात सुनकर यही करती है। और बिरजू से कहती है, सुन बच्चों का ख्याल रखना, साथ ही अम्मा और बापू से कहना कि मेरी चिंता ना करें। जी ठीक है दीदी। बिरजू बच्चों को लेकर चला जाता है। दूसरे दिन रतन सुनीता बात कर रहे होते हैं। तुम आज काम जल्दी करके थोड़ा आराम कर लेना, हमें रात भर जागना होगा, साथ ही बहुत सारा काम करना होगा। जी ठीक है, पर आप बताओ तो सही मुझे क्या करना होगा। अरे मैंने पहले ही कहा था, जो मैं कहूँ वही करना होगा, अभी जो मैं कह रहा हूँ वही करो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। सुनीता और रतन दोनों मिलकर सारा काम निपटा कर रात का इंतजार करने लगते हैं। रात का मध्य पैर होते ही रतन सुनीता को जगाता है। सुनीता उठो, उठो जल्दी करो। सुनीता उठते हुए, जी कहिए मुझे क्या करना होगा। जो रोटियां बची हुई हैं उसे लेकर आओ और उसे चार हिस्सों में बांटकर आधी तुम रखो और आधी मुझे दो। सुनीता ऐसे ही करती है, रोटियां लाकर आधी आधी करके आपस में बांट लेती है। बाहर चलो। दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। तुम इन कुत्तों को धीरे धीरे रोटी डालकर गांव के बाहर तक ले जाने की कोशिश करो, जिससे कि कुत्ते मुझ पर भौंके नहीं। कुत्तों की आवाज न होने के कारण कोई भी नहीं जागेगा। सुनीता भी बात को समझ गई। वह कुत्तों को रोटी डालकर गांव के बाहर तक ले जाती है। दूसरी तरफ रतन गांव में रहने वाले रमेश की गाय को खोलकर इंद्रनगर के रास्ते पर चलने लगता है। इसके बाद सुनीता भी उसी के पास आ जाती है। मैं इन सभी गायों को लेकर तुम्हारे गांव जा रहा हूँ, इसे वहाँ के पशु बाजार में बेच आऊंगा। कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं तुम्हारे मायके बच्चों का सामान देने गया हूँ। रतन गाय को लेकर इंद्रनगर के पशु बाजार में बेच कर अपने गाँव चतुरपुर वापस आ जाता है। सुनीता के पास आकर, ये लो भाग्यवान, पूरे पूरे 500 रुपए, इन रुपयों को अभी किसी के सामने मत निकालना। सुनीता भी हाँ में सर हिला देती है। साथ ही वह उस दिन हुई दुर्घटना का ब्यौरा रतन को देने लगती है। आज सुबह जब किराना दुकानदार रमेश गाय की चोरी होने की वजह से रो रहा था। अच्छा हुआ उसने भी मुझे काम देने के लिए मना किया था ना। अब धीरे धीरे चतुरपुर गांव के अलावा आसपास के गांवों में चोरियां बढ़ने लगी थी। लोग भी परेशान होने लगे थे, जिसके चलते आसपास के सभी गांव वाले सभी राजा के पास जाकर चोरियों की शिकायत करते हैं। महाराज, सभी गांव में पालतू जानवरों की चोरी होने लगी है। खड़क सिंह के होते हुए चोरी? अच्छा हम देखते हैं, तुम लोग सभी जाओ। लोगों के जाने के बाद राजा अपने मंत्री से बात करता है। मंत्री जी, इनके पशु चोरी होने से क्या हमें कोई नुकसान या फायदा है? जी महाराज, पशु चोरी होने के कारण जो पशुपालक हमें पशुओं से होने वाले धन फायदे का कुछ हिस्सा हमें कर के रूप में देते हैं, अब पशु ना होने के कारण वो हमें नहीं मिल पाएगा। राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया, सोचने लगा कि अब वह क्या करे क्या ना करे। मंत्री जी, आप जांच करवाएं कि पशु कहाँ जा रहे हैं और कौन चोरी कर रहा है। जी महाराज, मैं जल्दी ही चोर को पकड़वाता हूँ, परंतु महाराज मेरे मन में इसके लिए एक रास्ता सूझा है। क्यों ना महाराज, हम हर गांव में एक बाड़ा बनवा कर वहाँ जानवरों को रख देते हैं, देखरेख के लिए एक चौकीदार रख देते हैं, चौकीदार वहीं का स्थानीय हो, जानवरों की रक्षा होती रहेगी, माह के अंत में चौकीदार पशुपालकों से कर लेकर हमें देता भी रहेगा। ये विचार मुझे काफी पसंद आया, ठीक है इस सूचना को सभी गांवों में पहुंचा दो।
राजा ने सभी गांव में यही आदेश ढोल बजवा के प्रसारित करवा दिया कि चतुरपुर में जो जो भी चौकीदार बनना चाहता है उन्हें अपना नाम सरपंच के पास लिखवाना होगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज के आदेश से आप सभी को सूचित किया जाता है कि मवेशियों की रक्षा हेतु एक बाड़ा बनवाया जा रहा है, साथ ही एक चौकीदार को भी रखा जा रहा है। जो भी चौकीदारी करना चाहे वो सरपंच के पास अपना नाम लिखवा दे। सुनो सुनो सुनो। रतन भी अपना नाम लिखवाने जाता है। मुखिया जी, मेरा नाम भी लिखवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे रतन, पढ़े लिखे होते हुए ये काम कर रहे हो? क्या करें मुखिया जी, कुछ काम ही नहीं है तो यही सही। अब तुम्हें करना ही है तो ठीक है। चौकीदारों को भी नियुक्त किया गया, जिसमें रतन को भी नियुक्त किया गया। रतन और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। रतन के मन में अभी भी राजा के प्रति गुस्सा भरा था। रतन गांव वालों की तरफ से जो जानवरों मवेशियों के लिए जो चारा लाता उसमें से वे थोड़ा सा चुरा कर दूसरे गांव में बेच देता। तुम्हें मवेशियों के लिए चारा चाहिए? हाँ चाहिए तो सही। ऐसा करो कि तुम मुझसे बाजार भाव से कम कीमत पर चारा ले लो। ठीक है। रतन हर बार किसी ना किसी को चारा बेचकर घर आ जाता। एक दिन, सुनीता तुम इन पैसों में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा अलग निकाल लिया करो। निकाल तो लिया करूंगी, पर कभी राजा को शक हुआ और उसने हमारे यहाँ तलाशी ली तो उसे सच मालूम पड़ गया तो? उसे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। तुम इस धन को पोटली में रखकर मुझे दे दो। जो पशु पालकों से कर का धन मिलता उसमें से कुछ धन चुरा कर वह राजकोष में कर जमा करवाने जाता था। रतन इस अतिरिक्त धन को जानवरों के बाड़े में छुपा दिया करता था। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। रतन हर माह थोड़ा थोड़ा धन कम करके राजकोष में जमा किया करता था। एक बार कोषाधिपति उसे बोल देता है, रतन इस ग्राम के पशु कर का धन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, क्या कर रहे हो तुम? मुझे जितना भी कर मिलता है वो मैं आपको ही ला कर देता हूँ। इस बात को राजा भी सुन रहा होता है। तभी राजा भी गुस्से में आकर रतन को पकड़ने का आदेश देता है और कहता है, इसे पकड़ लिया जाए, जब तक जांच पूरी ना हो जाए इसे छोड़ना नहीं। यदि कभी इस पर गुनाह सिद्ध हो जाता है तो इसे फांसी की सजा दी जाए। महाराज, मुझे अपनी सफाई का एक मौका तो दे दीजिए। रुकिए महाराज, हम सुन लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। हाँ रुको, इसे बोलने दो, ये क्या कहना चाह रहा है। महाराज मैं अपनी बात रखूं, उससे पहले मेरी एक शर्त है। बोलो क्या शर्त है। यदि मैं बेकसूर सिद्ध हो जाता हूँ तो आप मुझे राजा बनाएंगे और मेरी जगह आपको ये सजा मंजूर होगी। राजा अपने गुरूर और घमंड में हाँ कह देता है। मंत्री रोकते हुए, महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मंत्री, राजा आप है कि मैं? माफ कीजिए महाराज। इतना कहकर मंत्री पीछे हट जाता है। रतन अब सिद्ध करो, तुमने धन को बीच में चुराया तो नहीं है? महाराज मैंने धन को चुराया नहीं है, परंतु यदि आपको मुझ पर दोष लगाना होगा तो आप लगा ही देंगे। ऐसा है तो इसका फैसला हमारे यहाँ के 5 महामंत्री करेंगे। इसके लिए मुझे 1 किलो वजन का बर्फ चाहिए। जल्दी ही इसके हाथ में बर्फ ला कर दो। रतन के हाथ में 1 किलो बर्फ का टुकड़ा दिया जाता है। रतन बर्फ का टुकड़ा अपने हाथों से दूसरे मंत्री के हाथों में दे देता है। दूसरा मंत्री फिर तीसरे मंत्री के हाथ में दे देता है। ऐसे करते हुए वह राजा के हाथ में पहुंच जाता है। तभी रतन कहता है, महाराज रुकिए,
रतन महाराज के हाथों से बर्फ के टुकड़े का वजन जांचने को कहता है। इसका वजन काफी कम हो जाता है। महाराज, इसमें से लगभग 200 ग्राम बर्फ कम है, तो 200 ग्राम बर्फ की चोरी आपने की है। क्या कह रहे हो तुम? इतने में सैनिक रतन के घर की तलाशी लेकर और गांव वालों से बात कर राज दरबार में आते हैं। महाराज की जय हो। सुनाओ क्या खबर है? महाराज, हमने इस घर की तलाशी ली, पर कोई अतिरिक्त धन नहीं निकला। साथ ही हमने गांव वालों से बात की, परंतु किसी ने भी कुछ नहीं बताया है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ महाराज, गांव में किसी का जानवर मर जाता है तो लोग उसका कर नहीं देते हैं। कोई अपना जानवर बेच देता है तो उसका कर कम हो जाता है। चोरी होने की वजह से लोग जानवर भी कम खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कर कम दे रहे हैं। इसके बाद का फैसला मैं आप मंत्रियों पर छोड़ रहा हूँ। मंत्री सोच विचार कर रतन की बात को सच मान लेते हैं। साथ ही राजा के वादे अनुसार उसे दूसरे दिन एक दिन का राजा बना दिया जाता है। पुराने राजा को बंदी बना लिया जाए और उसे पुराने गलत फैसलों के लिए फांसी की सजा दी जाए। आप क्या कहते हो मंत्री जी? यह सुनकर मंत्री राजा रतन से, रतन महाराज, हमें सलाह का एक मौका प्रदान करें। जी मंत्री जी, आप सभी मंत्री सलाह कर लीजिए। यह सुनकर सारे मंत्री अचंभे में पड़ जाते हैं। इसके बाद सब आपस में सलाह करने लगते हैं। पुराने राजा ने कभी भी हमारे विचार रखने का मौका नहीं दिया। साथ ही पुराने राजा के समय उनकी मनमर्जी के कारण राज्य में कानून व्यवस्था भी सुचारू ढंग से नहीं चल रही है। इसी के साथ विदेश आक्रमण भी बढ़ने का खतरा है। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। मंत्री रतन के पास आकर, रतन महाराज, आप इन्हें जो भी सजा देना चाहते हैं वो दे दीजिए, हम आपके साथ हैं। पुराने राजा को फांसी की सजा को माफ करने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ गया मेरी क्या गलती थी, मैं अहंकार में आ गया था। रतन समझ जाता है और उसे माफ कर अपनी सेना में शामिल कर लेता है और राज्य में सभी बेरोजगारों को काम दे देता है, जिसके कारण सारा राज्य खुशहाल हो जाता है।